बीते बलरामपुर में ग्रामीण ठगी का शिकार हुए हैं। ग्रामीणों को धनराशि दोगुना करने के नाम पर ठगा गया है। ग्रामीण जब अपने पैसे लेने के लिए बैंक गए तो वहां से बैंक ही गायब मिला। आपको बता दें कि मिनी सेंट्रल बैंक बताकर ग्राम पंचायत भगवानपुर के ग्रामीणों से 1,50,00,000 की ठगी की गई है। ग्रामीणों से सोनडीहा कोल ब्लॉक परियोजना के तहत मिलने वाली राशि को 3 वर्षों में दोगुना करने का प्रलोभन दिया गया था, जिसके चलते ग्रामीणों ने अपने पैसे जमा करवा दिए। ग्रामीणों की राशि को आरके ऑटो सेल्स बैंक में जमा करवा दिया गया, लेकिन 3 वर्ष बीत जाने पर बैंक पहुंचे तो बैंक ही गायब मिला, जिससे आज ग्रामीण दर दर भटकने को मजबूर हैं। जब मीडिया की टीम गांव में पहुंची तब लोगों के द्वारा एकजुटता दिखाते हुए एक सुर में कहा गया कि हमारी राशि का गबन कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों से 1,50,00,000 की ठगी हुई है। बलरामपुर से संवाददाता अजय कुशवाहा की रिपोर्ट। हम राजेंद्र कुजूर, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सिवरी। जो आरके ऑटो सेल्स में पैसा इन्वेस्ट हुआ है, उसमें जो अकाउंट खुला था आपका, उसके साथ डायरेक्टर के साथ ज्वाइंट अकाउंट था? हाँ, ज्वाइंट अकाउंट। ज्वाइंट अकाउंट था तो सारी ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी आपको भी होगी? नहीं। तो फिर उस ज्वाइंट अकाउंट का क्या महत्व हुआ, फिर आपने ज्वाइंट अकाउंट क्यों खोला था? मतलब उसने सिर्फ इतना ही बोला था कि जब जरूरत पड़ेगी तो पेमेंट जिसको देना होगा, मैं जो बोलूंगा उतना ही देना, बस इतना ही बात बोला था, बाकी ट्रांजैक्शन सब होने करता। तो आप किस आधार पे चेक काट के लोगों को देते थे? जैसे उसने आदेश दिया कि इनको इतना चेक काट के देना है, तो चेक मेरे को देता था, दो चार थे, उसी चेक मशीन पे चेक काट के देता था। तो चेक में साइन और सील आपका रहता था कि उसका रहता? अथॉरिटी सिग्नेचर मेरा रहता था, सील। तो फिर ज्वाइंट अकाउंट में भी फिर अथॉरिटी आपका रहोगा? ऐसा नहीं। का नाम है दाई तुहार? तुहू आरके सेल्स में पैसा जमा करे? हाँ। कितना जमा करे रहा? 2,50,000। तो एक पैसा का खोजबीन कराओ था कि नहीं? तो पता चला था कुछ? कुछ नहीं पता चला। शिकायत कर दे थाना में, अभी कार्रवाई रोई हो थे थाना से कि नहीं? चलो ठीक। क्या नाम है आपका? राजाराम। राजाराम जी, आरके सेल्स में जो ये पैसे आप जमा किए हैं, कहाँ आप पैसे जमा किए थे? एक सेंट्रल बैंक में। सेंट्रल बैंक में आपका कितना पैसा है? 1,17,000। आप पैसा निकाल लिए अपना? नहीं निकला है। क्या बोलते हैं लोग? बोलते हैं कि उसको कंपनी समझेगा, अब कंपनी यहाँ है ये नहीं, कंपनी चला गया कहीं भाग के दूसरी जगह। शिकायत किए आप? शिकायत किया हूँ। कहाँ शिकायत किए हैं? SDOP कार्यालय। कार्रवाई हुआ कुछ? कार्रवाई कुछ नहीं हुआ है। क्या नाम है बाबा? गौरी शंकर। आप भी आरके ऑटो सेल्स में पैसा जमा किए हैं? हाँ। क्या कह के लोग पैसा लिया था आपसे? वो कहे के 30,00,000 रुपया दो, 30,000 महीना में मिलेगा। अच्छा। हर महीना मिलेगा? हाँ हाँ। 3 साल के बाद पूरा पैसा आपका मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। तो पैसे कितना साल हुआ पैसा जमा किए? अरे 1 साल सब आदमी पूरा करे। अच्छा। तो क्या पैसा के लिए आप लोग खोजबीन कर रहे हैं? हाँ, तो यही तो कर रहे थे। शिकायत उकायत किए हैं कहीं कि नहीं किए हैं? करते ही सब शामिल हो के सब आदमी है। अच्छा, एक शिकायत बोली। कितना पैसा आपका? 30,00,000। 30,00,000 रुपए। क्या नाम है आपका? ग्रेगोरी कुमारिया है सर। आप कहीं भगवानपुर के अभी रहने वाले हैं? जी, मैं भी इधर भगवानपुर कोड़ाकूपरा में रहता हूँ। अच्छा, आप भी आरके सेल्स में पैसा जमा किए हैं? जी, मैं भी 5,00,000 रुपए हाँ जी दिया हूँ। तो वो लोग क्या कह के पैसा लेते थे आपसे? सर, जिनके माध्यम से भी अप्लाई मिला, उन्होंने यही बोला कि सेंट्रल बैंक का मिनी ब्रांच है बोल करके। अच्छा अच्छा। और मैं उसी विश्वास पर और सेंट्रल बैंक के माध्यम से ही मैं 5,00,000 रुपए दिया, और बोले कि 3 साल में, 3 साल होने के बाद आपको उसका दुगुना प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, फायदा लाभ मिलेगा, ऐसे करके बोले। कि 3 साल खोजबीन होने के बाद में जब मांगने लगा मैं, हाँ। जेंटल लिंक से और जो भी कार्यरत थे उनके माध्यम से पता चला कि जो मुख्य व्यक्ति आरडी सिंह वो भाग गया, ऐसे करके बोल रहे हैं सर। अच्छा 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 जी। ये जो पैसा आपका जमा किए हैं, इसकी शिकायत आपने चौकी में दी है? जी सर, मैं वाड्रफ नगर चौकी में दे चुका। कब शिकायत किए हैं आप? सर, ये प्रकरण अभी तक मैं खुद जा करके किया हूँ, और सब लोग हम लोग जा करके लगभग 2 साल से ज्यादा हो गया सर, और टोटल अभी ये व्यक्ति का भगा हुआ लगभग 6-7 साल हो गया सर। अभी तक FIR हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है सर, अभी तक नहीं हुआ FIR। जी, नहीं हुआ सर। क्या नाम है आपका? मेरा बलदेव सिंह नाम है, ग्राम सिंह का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। अभी आरके सेल्स में पैसे जमा किए हैं? हाँ, मैं भी जमा किया हूँ। कितना जमा किए हैं आप?
6 लाख रुपए आपको कहाँ से मिला था? मेरे को अपने बुआ के पैसा से, पैसा को अपने नाम पर करके जमा किया था। अच्छा अच्छा, तो आरके सेल्स का आप लोग जो पैसा जमा किए हैं, इसका कुछ खोजबीन हो रहा है आप लोगों का? हाँ, खोजबीन हम लोग FIR करवाने के लिए तो कागज वगैरह दे दिए हैं, ADOP कार्यालय में और थाना चौकी में भी कर दिए हैं। कितना दिन पहले आप लोग कागज दिए हैं? तो 6-7 महीना पूर्व दिए थे SDOP कार्यालय में और साल भर पूर्व चौकी में दिए थे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है? कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। क्या नाम है दादा? सुखराज। आप कितना पैसा जमा किए हैं? 10 लाख। चलिए, क्या नाम है दादा तुम्हार? कुंवर साहब। तू पैसा जमा करे हा? हाँ। कितना पैसा जमा करे? 4 लाख। शिकायत उकायत कर दे हा कि नहीं करे हा? कर दे। चलो, कोई अभी खोजबीन नहीं हुआ थे? नहीं। का नाम है दादा? रामावतार। तू जमा करे हा पैसा आरके सेल्स में? जी। कितना जमा किए हैं? 7 लाख। 7 लाख कहाँ से मिला था 7 लाख आपको? मुआवजा मिला था सर, जमीन वाला। जमीन का मुआवजा मिला था। पैसा आपका नहीं दे रहे हैं अभी? नहीं दे रहे हैं। शिकायत कर दी है थाने में कि नहीं? कर दिए। हो रहा है कुछ कार्रवाई? कुछ नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? आप भी पैसा जमा किए हैं? जी। कितना जमा किए हैं? आपको भी मुआवजा मिला था? हाँ। क्या कह के लोग पैसा लिया आपसे? 10 का 20 होगा। अच्छा अच्छा, तो गुना करने को। अब जब आप लोग पैसा जब आप लोगों का पूर गया तो गए तो कोई पता नहीं चल रहा? कोई पता नहीं चल रहा सर। शिकायत कर दिए हैं चौकी में? जी। कितना दिन पहले शिकायत किए हैं? बहुत दिन हो गया, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या नाम है दादा? राम भजन। तू पैसा जमा करे हा? जी। कितना? 25 लाख। मुआवजा मिला था आपको भी? जी। 20 लाख रुपया दिए हैं? 25 लाख मिला, जमा किए हैं। अच्छा, 25 लाख। जी। इसका बोला कि दुगुना मिलेगा। हाँ। इसी चक्कर में हम लोग कर दिए, ठीक ना? अच्छा अच्छा। वो मैनेजर था, वो बोला था कि मैं सेंट्रल बैंक का बड़ा मैनेजर हूँ। कौन मैनेजर, का नाम था उसका? वही ID सिंह बोला था। अच्छा, सेंट्रल बैंक जितना है ना उसका मैं बड़ा मैनेजर हूँ, इस टाइप से बोला। लाल दिया, मेरा साल भर का फिक्स था, ठीक ना? 25 लाख रुपया साल भर का फिक्स था, उसको टुड़वा के मतलब कि डाल दिया उसमें लालच, मतलब बोला कि 25 का आपको 50 मिल जाएगा दुगुना। चलिए ठीक। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.